links should be, one is called core audience, second one called custom audience, and third one fuzzy look like audience. फिर मैंने कहा था कि देन हम लोग जब ये तीनों चीजें कंप्लीट करने के देन वी मूव फॉरवर्ड और वी गोना गो अहेड एंड वी डेवलप एंड देन वी डिलीवर ऐसे ही ठीक है. अच्छा दूसरा है कि कोर ऑडियंस का मुझे तो भूल ही गया तुम लोग ने आज थोड़ा बहुत उसमें गाइड करना है कि कोर ऑडियंस कौन कौन से पैरामीटर्स पे बेस करती है. आशिक तुमने बताना है कोर ऑडियंस कौन कौन से पैरामीटर्स पे बेस करती है. दूर तुमने तुम्हें भी पता हंसने के लिए कहा विकास कोर ऑडियंस कौन कौन से पैरामीटर्स पे बेस करती है क्या. वेरी गुड. और इंटरेस्ट डेमोग्राफिक location status और action actions like to the end these are really basic things क्योंकि कोई भी आमतौर पर किसी भी बंदा शहरी है वो कहीं भी बेस करता है उसके हर बंदे के लिए पैरामीटर्स हैं. आपके भी डेमोग्राफिक्स हैं मेरे भी डेमोग्राफिक्स हैं आपके भी कुछ इंटरेस्ट हैं मेरे भी हैं आपका भी डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर आप मेरा भी है हर बंदे का एक डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर है राइट. देन देयर इज समथिंग देयर इज देन लोकेशन लाइक यू कैन इवन नो और आई विल नो और बट इन डिफरेंट एरिया देन देयर इज अ स्टेटस एंड देन देयर इज अ कनेक्शन राइट. अगर यू व्हेन यू कंपाइल ऑल दिस थिंग वी कॉल दिस क्या कोर ऑडियंस. वी कॉल दिस कोर ऑडियंस. अच्छा आशिक तुमने दोबारा बताना है कैंपेन के नीचे क्या आता है ग्रुप्स आते हैं या क्या होता है कैंपेन के नीचे क्या होता है कैंपेन के नीचे क्या होता है कोई ना बोले और आशिक कैंपेन के नीचे क्या होता है. जाती बार आशिक तेरी स्माइल इतनी सेटिस्फैक्टरी होती है मैंने ये सब कुछ समझ आ गया पर आई गेस कि आई वाज वेरी कन्विंसिंग कि तुम समझ आ रहा है नहीं बता तुम्हारा नाम क्या था या तुम भी हाथ से बोले हो. अच्छा तलहा एक कैंपेन के नीचे क्या होता है नहीं पता नाम भी नहीं. हाँ जी आपने कैंपेन के नीचे क्या आता है एड सेट्स आते हैं. हम ना एक्सपर्ट के नीचे क्या आता है क्या ऐड आता है. सो दीज आर इजीली अंडरस्टैंडेबल और साथ साथ मैंने एड मैनेजर को तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाया था ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए. लेटर ऑन इसको अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस आपको ये जो स्टेप्स हैं ना प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्योंकि हर तरह के प्लेटफॉर्म पे इस दीज आर स्टेप्स विच आर प्योरली बेस्ड ऑन दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. और अगर ये साथ साथ तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको हर प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट करना आ जाएगा. सो दिस टाइम वी टॉक अबाउट के दैट्स हाउ देयर आर सम ग्रुप्स देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एक्टिव ऑन फेसबुक but not all your customer like your customer can be the form of jobs can be the form of cluster can be the form of channel some are blue some are green some are white some are red so there are some labeling available on facebook channel okay or facebook instagram या so on like जो भी facebook के साथ platforms connected है वहाँ पे ना एक group of audience की पाई जाती है. अब group of audience का मतलब ये है कि let's say कि जिस तरह से जिस तरह का आता है टूल अगर तुमको टूल पे जाओगे ना टूल लेना pixcel.com मैंने बताया था ये pixcel.com के बारे में बता रहे हैं. अगर आप उस टूल पे जाते हैं ना तो आपका एक असेसमेंट टेस्ट देते हो टूल आपको ये बताता है यार आइडियल यू आर डोमेन
either you are persuasive, either you are extrovert, either you are speaker, what kind of personality traits you hold. अच्छा अगर जब आपके बजे की personality और जो है you understand what to say, ठीक है, आपको ये समझ आ रहा है कि मुझे इसकी need recognition का पता है कि how I can put my mind into his shoes to understand this मुझे कुछ चाहिए क्या. तो that's how my एक groups की form में है सारे के सारे की जो data है Facebook पे. और उस डेटा को ना बेसिकली आप लाइक वो डिफरेंट किस्म के लोगों के इंटरेस्ट हैं, डिफरेंट किस्म के डेमोग्राफिक्स हैं, कुछ लोग डिफरेंट किस्म के रिलेटेड रखते हैं, कोई आईफोन यूजर है, एंड्रॉइड यूजर है, एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ. ओके, तो द थिंग इज व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल कि देन कि बिजनेस का मैंने जो बताया था और कल भी इस बार बात की थी कि देयर इज दिस दिस नेम एज आंटी हाउस का केक शॉप और दे लुकिंग फॉर आपने कहा कि सर मेरी वेबसाइट पे
कोई मेरी वेबसाइट पर सर्च करके आता है गूगल से, लेट्स से कोई बंदा आता है गूगल से, कोई मेरी वेबसाइट पे आता है कोई आर्टिकल पढ़ के, ऐसे ही ना डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आपकी वेबसाइट पे लोग आते हैं ना, कोई गूगल से आता है, कोई आर्टिकल पढ़ के आता है, किसी ने फेसबुक पे कोई व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर देता है, किसी और लिंक शेयर नहीं, ठीक है, कोई उसके बाद आपकी वेबसाइट पे आ जाता है लेट्स से कि यूट्यूब से वीडियो देख के, यूट्यूब से डेली मोशन से, या मैं इसको ना बड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, आपकी वेबसाइट पे ना भी आपकी वेब है ना लेट्स से मेरा मतलब साइट, और आपकी वेबसाइट पे एनी पर्टिकुलर पर्सन कम्स टू योर वेबसाइट थ्रू एनी सोर्स, मैं कहता हूँ कोई भी सोर्स है, वो व्हाट्सएप है, वो फेसबुक है, वो मैसेंजर है, वो कोई ब्लॉग है, आर्टिकल है, कोई भी पर्टिकुलर सोर्स है, उस सोर्स से जो बंदा आपकी साइट पे आता है ना, फेसबुक हर उस बंदे की एक्टिविटी कैप्चर करता है। कभी तुम लोगों ने देखा हो तुम दराज तोड़ पी के साइट पे गए हो, उसके बाद तुम लोगों ने फेसबुक ओपन किया हो, आपको उसकी आरसी कार्ड आती है, उस स्पॉट पे एक्टिविटी डॉट कैप्चर, एंड दैट्स हाउ वो करता क्या है, कोई किसी भी सोर्स से बंदा आ रहा है उसकी एक्टिविटी कैप्चर करता है और उसको अपने सिस्टम के साथ मैच कर देता है, एंड दे सेड कि ये लोग जो तुम आपकी साइट पे आए थे ये लोग मेरे सिस्टम में अवेलेबल है और तुम इनको दोबारा से एक छोटी सी कस्टम ऑडियंस क्रिएट करके अपनी टारगेट पे पा सकते हो। इज दैट इजी? इज दैट इजी? यस यस यस। अब वो सारा प्रोसेस में से बीच का क्या है, उस प्रोसेस को फॉलो हम लोग कैसे करवा सकते हैं, एंड व्हाट आर द मींस दैट वी कैन यूज टू मेक इट अ रियली गुड टारगेट। अब उसके लिए ना आपको एक प्रोसेस बनाना पड़ता है जो आप कोई भी अपनी ई कॉमर्स साइट, अब लेट मी आस्क यू समथिंग, क्या तुम लोगों के लिए लेट्स से एक सवाल पूछूंगा और आई गेस कि मैं उसका बड़ा अच्छा जवाब चाहूंगा तुम लोगों से, क्या आप लोगों की वेबसाइट पे आने वाले की चार्ज को क्योंकि लेट्स से क्योंकि आपकी वेबसाइट पे आते हैं और आपके आपका कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं और उस प्रोडक्ट को चूज करने के बाद ऐड टू कार्ट में क्लिक कर देते हैं, राइट? यहाँ 1,00,000 लोग जिनमें से 50,000 लोग 50K आपकी वेबसाइट पे आते हैं लेकिन आपका होम पेज देख के वापिस चले जाते हैं, सो दे आर पोटेंशियल कस्टमर या दे आर लोग की पीपल पोटेंशियल कस्टमर ऐड टू कार्ट तक जाने वाले पहली वाले हो गए या दूसरे वाले हो गए? पहले वाले, पक्की बात है? यस यस, दास की बात है, ओके, सो अभी हो गए तो ये ऐड मैनेजर और ऐड मैनेजर में सर्च करने का बेस्ट वे ये है कि तुम facebook.com/ads/create ये आपका ये ऐड मैनेजर ओपन होगा।
So here I come to the data sources. Again, the gallery name of their data source है. ये वो source हैं जो कि capture करता है लोगों की activity जो किसी भी channel के through आती है, जैसे Google से, article से, कोई link sharing से, कहीं से भी आने वाला एक बंदा है. They are getting captured. और वो सारे का सारा data तुम्हें यहाँ पता चल रहा है कि कितने लोग आए थे, उन्होंने अपना home page देखा, जिस page view, कितने लोग आए जिन्होंने आके कैटेगरीज देखी, मेरी वेबसाइट की किस वर्ड वेबसाइट पेजेस, कितने लोग आए जिन्होंने बार्गेन किया, कितने लोग आए जिन्होंने चेकआउट इनिशिएट किया, कितने लोग आए जिन्होंने परचेस किया एंड सो ऑन, और कितने लोग आए जो मेरी वेबसाइट को जिन्होंने आके सर्च किया. सो एज सिंपल एज जब आप ऑप्टिमाइजेशन अपनी प्ले करते हो ना, फर्स्ट थिंग यू डू इज, अब आजकल जितनी भी आपकी वेबसाइट है ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिवेलप होती है, सबसे पहले जो मार्केटिंग उस पर प्ले करती है ना, वो डेटा ड्रिवन मार्केटिंग प्ले करते हैं, जिसको कहते हैं ग्रोथ मार्केटिंग. अब वो ग्रोथ मार्केटिंग के लिए ना, आप हर एक वेबसाइट जो भी आप डिवेलप करते हैं ना, उस पर बेसिकली अपनी अपने पिक्सल्स लगा देते हैं, उस पिक्सल को कहा जाता है अपनी ट्रैकिंग लगा देते हैं. जिस तरह आपकी ट्रैकिंग है ना, आप कहते हैं मैंने पॉकेट में ना, वो जब मैंने ऊबर वाली ऐप ओपन करता हूँ, मैं राइड बुक करता हूँ, तो उस पर ट्रैकिंग आ गई होती है, यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ऐसी है ना. और ट्रैकिंग कैसे मैंने प्रोवाइड कर दी, मैंने इवेंट मैनेजर पे आया, मैंने सिंपली यहाँ पे आके क्लिक किया सेटअप पे, से अब मैंने क्लिक ऑन सेटअप, ठीक है. सेटअप पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल पिक्सेल, इंस्टॉल पिक्सेल पे क्लिक किया. इंस्टॉल पिक्सेल पे क्लिक करने के बाद दिस इज माय डैशबोर्ड नाउ. अभी मुझे डैशबोर्ड ये कह रहा है कि मैं सिंपली एक काम नहीं करना है, जब मैंने अभी कोई भी वेबसाइट वर्क करनी है, ये वेबसाइट बनी बनी हुई वेबसाइट है, मैंने सिंपली इस पर क्लिक कर रहा हूँ फॉर नाइन टू एड द कोड टू द वेबसाइट, और ये इसने ना मुझे कोड दे दिया, ठीक है. इस कोड को मैंने कॉपी किया, कॉपी करके अगर कोड टारगेट कस्टमर सेल, मैं सिंपली यहाँ से गया और मैं चला गया अपनी वेबसाइट let's say there's the theme of the site, let's say blacksmith, तो तुम लोगों के पास ऑप्शन आ रही होती है ना appearance के बाद जो theme आ रहा है, सिंपली तुमने क्या करना है, यूट्यूब की जो theme editor and you just need to find out your header body. Header पता है आपका साइट का? वेबसाइट का header पता है आपको? सबको पता है? Header of your website. सारे लोग जानते हैं, ठीक है. अब यहाँ से तुमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो फाइल है ना सारी, ये CSS की फाइल है. CSS फाइल होती है उसका जो स्टाइलिंग ऑफ योर वेबसाइट है, फॉन्ट कलर, लेकिन आपने ना इसको हेडर में जाके प्लेस करना, ये हेडर नहीं है साइट का. इवन अगर कोई आप जो भी आप थीम आपने इंस्टॉल किया होगा ना, तो थीम आपको नीचे भी शो आ होता है. आप सिंपली क्या करो, आप थीम ऑप्शंस पे चले जाओ, या आप उस थीम पे क्लिक कर दो, तो आपको उस थीम का ना कोड दिखा देगा. और
HTML पढ़ के आ गए यहाँ पे आ गए मैंने सुन लिया इसके कस्टमाइज पे क्लिक किया कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद HTML पढ़ के आया HTML पढ़ के आ गए मैंने सिर्फ जो बोल्ड पे पास सारा वो बोल्ड पे यहाँ पे प्लेस कर दिया प्लेस करने के बाद मैं सिंपली इसको पब्लिश करवा दूँ ठीक है मैं पब्लिश कर पाऊँगा तो है जब मैं इसको पब्लिश कर पाया तो उसके बाद गूगल की एक सेक्शन है वो आपको बताती है कि आपका पिक्सल चल रहा है कि नहीं चल रहा अदर इज एक्टिव और अदर इज नॉट तो तुम जिस पिक्सल एक्सटेंशन है विच इज कॉल्ड फेसबुक पिक्सल हेल्पर की इंस्टॉल करोगे आप या आपको बता देगा कि आपका पिक्सल चल रहा है लाइक इस तरह से भी मैं पेज व्यू में हूँ तो पेज व्यू भी बाहर है पेज व्यू कहते हैं होम पेज को और लेट्स से अगर मैं अपने उस पे एक्टिव कार्ड पे चला जाता हूँ दैट्स इट आई एम एट एक्टिव कार्ड अभी मुझे एक्टिव कार्ड की भी ट्रैकिंग चल रही है हेलो ये कार्ड व्यू हो रहा है कार्ड व्यू के बाद लेट्स से कि मैं अपने गो बैक और मैं अपना प्रोसीड चेकआउट अगर मैं चेकआउट पर जाता हूँ ठीक है तो ये उस इवेंट की हर पर्टिकुलर इवेंट जो मैं वेबसाइट पर डालता हूँ ये उसकी एक्टिविटी को कैप्चर कर रहा है थ्रू पिक्सल के साथ ठीक है इसकी इंटीग्रेशन ये ना इंस्टॉल करना मुश्किल नहीं है पिक्सल इंस्टॉल करना मुश्किल नहीं है अभी मैं इसे चेकआउट पर आ गया इनिशियल चेकअप की एक्टिविटी आ गई और जब मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा तो ये एज ए परचेज आ जाएगा ये बात समझ आई सर जब इवेंट मैनेजर पे आप जाते हैं दोबारा इवेंट मैनेजर पे आप आ इवेंट मैनेजर पे सबसे पहला काम आप ये करते हैं आपके इवेंट मैनेजर पे कि आपको बता रहा है कि आप अपनी वेबसाइट पे एक ट्रैकिंग इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है पिक्सल ठीक है वो पिक्सल बेसिकली इंस्टॉल करना ना वेबसाइट पे बहुत ईजी है राइट अब वो ट्रैकिंग क्या करना है या तो इसको मैनुअली इंस्टॉल कर दो पिक्सल इंस्टॉल करने से क्या होगा कि कोई भी बंदा जो आपकी वेबसाइट पर आएगा उसकी वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है आपकी साइट पर जैसे आपके प्रोडक्ट्स को देखता है कोई कैटेगरीज को देखता है किसी पेज को व्यू करता है वो एक्टिविटी कैप्चर होती है लेट्स से कि आपने उस एक्टिविटी को कैप्चर करवाने के लिए आप इवेंट मैनेजर पे आए यू क्लिक ऑन सेटअप सेटअप क्लिक करने के बाद इंस्टॉल इंस्टॉल की क्लिक करने के बाद आपकी आर की ना सब टीम किसी का टीम स्टैक के जरिए आप उनका पिक्सल इंस्टॉल कर सकते हो पहला ये है कि लोग इसको पार्टनर के साथ इंटीग्रेट कर दो पार्टनर इंटीग्रेशन ऐसे है कि अभी मैं इस पर integration or tag managers can only be set to by actual business for an account. I am the admin of the business, so ये मुझे allow नहीं कर रहा. I am not sure, but I can show you from here. Hello. कि किसी का डर है सबको? Yes, sir. That's why I told you to practice very fast. क्योंकि दरास ना दरास के आपके सेलर हैं यू डोंट ऑन द वेबसाइट जो वेबसाइट आप ऑन करते हैं ना उस वेबसाइट के आप इंस्टॉल कर सकते हैं
जो वेबसाइट आप ओन ही नहीं करते उसके आप कुछ नहीं इंस्टॉल कर सकते, राइट। पूरे पूरा पिक्सेल ग्राम आप गया अगर मुझे स्केड्यूल करना है
उसके बाद मैंने इस प्रोडक्ट को यहाँ से क्लिक किया, इसका साइज चूज किया, एड टू कार्ट में क्लिक करने के बाद ये प्रोडक्ट मेरे पास एज ए चेकआउट में आ गया। चेकआउट में आने के बाद मैंने इसको, जब आप चेकआउट में जाते लाइक एड टू कार्ट में क्लिक करता हूँ तो फिर मैं कार्ड देखता हूँ कि प्राइस कितनी बनी है। ठीक, अब ये मेरा थर्ड इवेंट आ गया और ये सारे इवेंट ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है। थर्ड इवेंट आ गया विच इज कॉल्ड कार्ड। ठीक, उसके बाद अगर मुझे इस प्रोडक्ट को, ये मेरा कार्ड बिल्कुल ठीक है और अगर आप कस्टमर चेकआउट पे जाता है, ठीक, चेकआउट में आने के बाद The fifth event comes in, which is called initiate. Is this understandable right now? Yes, sir. Sir, Facebook company के लिए उसकी भी नहीं है आपका, आप फर्स्ट को ऑर्गेनिकली जितनी वेबसाइट पे ट्रैफिक फैलते हो ना, आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट जितनी भी हम सारी सारी ट्रैक हो, ट्रैकर जो क्या है वो सारी सारी किसी पोर्ट के थ्रू, किसी ट्रैकिंग के थ्रू सारी सारा जितना डेटा है। हम बात करते हैं कि मैंने ना अपनी इन सारी सभी प्रोसेस की, प्रोस्पेक्ट का प्रोस्पेक्ट से वो बना, मेरा विजिटर विजिटर से लीड बना, लीड से कस्टमर बना, ऐसे ही है। और वो एक इतनी बड़ी चेंज चला रहे हैं। अब इस चीज के अगर आप अपने कस्टमर्स को ट्रैक नहीं करते, अब लेट्स से बात की कि अ पर्सन कम्स टू अ वेबसाइट, उसको आपकी साइट बहुत अच्छी मिली, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, उसने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, लेकिन ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके वो चला गया, भाग गया वापस। दे विल बी अ पोटेंशियल कस्टमर और फाइंडिंग अ न्यू कस्टमर विल बी अ पोटेंशियल कस्टमर। जो बंदा गया वही आपका पोटेंशियल कस्टमर होगा। जब आप पिक्सेल इंस्टॉल करते हो ना, तो आपके पास जो बंदा आपकी साइट पर आके जो जो एक्टिविटीज कर रहा है ना, वो सारे के सारा डेटा आपके पास आ जाता है। अब उस डेटा को तुम यूज कैसे कर सकते हो? अब लेट्स से यू सेड कि मेरे पास जितने भी लोग थे ना, जिन्होंने मेरा होम पेज देखा, मेरा प्रोडक्ट पेज देखा, मेरा ऐड टू कार्ट पेज पे गए, ठीक है, चेकआउट पे गए, अब मुझे ये मेरे सारे ना पोटेंशियल कस्टमर हैं, क्योंकि somehow जिस बंदे ने हमारा प्रोडक्ट देखा ना, दे शो अनलिमिटेड इंटरेस्ट। जिस बंदे ने ऐड टू कार्ट किया ना, आई थिंक ये बंदा 50% इंटरेस्टेड है हमारा प्रोडक्ट बाय करने में। जिस बंदे ने चेकआउट के लिए चेकआउट कंप्लीट नहीं किया, आई थिंक ये 90% इंटरेस्टेड हमारा प्रोडक्ट के लिए। सब पीपल जो है, दे आर माय पोटेंशियल कस्टमर्स एंड आई थॉट सो कि ये वो लोग हैं जो कि मुझसे बाय करने के लिए। Alright, so what I'm going to do is I'm going to go back to my event manager जहाँ से मैंने pixcel में install किया था, तो वापस चला गया। Guys, जहाँ तक थोड़ा discipline tools ना है, मैं told you yesterday थोड़ा advanced आएंगे, तो इसलिए आपके लिए थोड़ी सी difficult होगी, नहीं समझा रहा होगा, right? क्योंकि ये that's very important part of advertising. Let's say कि मैं अंदर go to my data source। अब मेरे पास कि मुझे उन लोगों को टारगेट करना है जो कि चेकआउट पे आए या होम पेज पे आए और आगे चले गए। दोबारा रिशोर्ट हो गया जस्ट डेटा सोर्स पे गया। डेटा सोर्स पे जाने के बाद मैंने कहा टारगेट करना है जिन लोगों ने जो कि मेरे होम पेज पे आए, देखा और चले गए। हम गोइंग टू क्लिक ऑन क्रिएट ऑडियंस, हम गोइंग टू क्लिक ऑन कस्टम ऑडियंस, राइट, और मेरे पास इस तरह से डैशबोर्ड खुल गया। अब मैंने कहा कि लास्ट 30 डेज में ना, पिछले एक माह में जितने भी लोग मेरी वेबसाइट पे आए हैं, मैंने सबके सबको पूरी टारगेट कर दिया, राइट। मैंने ऑल वेबसाइट यहाँ से चूज किया,
इसका एक नाम है था और वेबसाइट ट्रैफिक और थ्री लॉजिस्टिक एंड सिंपली अपनी अगर जैसे मैंने कहा कि मुझे सिर्फ उनको टारगेट करना है क्योंकि मेरे होम पेज पे आए और चले गए हमने थ्री लॉजिस्ट किया करने के बाद मैंने कहा पिछले 90 डेज पिछले 3 माह में जितने भी लोग मेरी वेबसाइट पर आए थे ना उनको मैंने दोबारा से बिकॉज आई फील लाइक कि दीज आर माय पोटेंशियल कस्टमर्स आई हैव टू री टारगेट देम मैंने पेज व्यू में हम से ऑडियंस क्रिएट की ऑडियंस क्रिएट दिस इज कॉन्सेप्ट दैट इज एंड नहीं आया सर ये कैंपेन हम फेसबुक पेजेस के लिए भी चला सकते हैं सिर्फ वेबसाइट के लिए सर मेरा सवाल है कि जैसे ग्रास वर्क के लिए मैं विजिट कर रहा हूँ मैं ऐसा विजिट कर तो गाइस यहाँ से का बिजनेस हो रहा है मैंने तो ये कम्युनिकेशन बिजनेस कॉल की थी ठीक है इंडिया ग्रास वर्क के लिए मेरा डाटा उसके पास जाएगा हाँ 100% क्या ना आपका हमेशा हैश फॉर्म में होता है आपके आपके फोन में मोबाइल ऐप है फेसबुक की उस मोबाइल ऐप को आपने पता है कितनी सेंस की हुई है आपके अपने डेटा को वो मोबाइल से आपकी लोकेशन भी ट्रेस करती है आप कहाँ जाते हैं ऐसे वो मोबाइल ऐप आपका उस मोबाइल ऐप का एक स्पेसिफिक यूजर आईडी होता है जिस पर यू आईडी उस यू आईडी की बेस पर फेसबुक वाला जानता है कि ये बंदा मेरा कस्टमर है कोई यूआईडी देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं आप सिंपली अपनी प्रोफाइल पे जाएं लगते हैं अगर गो टू माय प्रोफाइल अब ये तुम्हारा कैसे कि फेसबुक को पता कैसे चलता है कि मैं ग्रास पे गया और फेसबुक को कि आई एम दैट पर्सन जो था अब से अगर गो टू माय प्रोफाइल यहाँ मैंने आया और मैंने क्लिक किया मैंने राइट क्लिक किया और हमने क्लिक ऑन व्यू पेज सोर्स व्यू पेज सोर्स किया इसलिए नया वीडियो लाइक नया टैब ओपन कर दिया अब ये सारे के सारे सोर्स आ गए तुम्हारे तुम्हारे सोर्स कहते हैं कोड आ गया जो जो पिक्चर तुमने लगाया मेरे नई प्रोफाइल पे जो जो कॉन्टेंट लगाया सब कुछ आ गया मैंने कंट्रोल एफ किया और यहाँ लिखा यू आई डी ठीक लिखा नहीं हो पा रहा है तो सी से ट्राई करते हैं ये लिखा यूजर आईडी तुम अपनी प्रोफाइल पर चेक करोगे तुम्हारी प्रोफाइल पर डिफरेंट है मेरी प्रोफाइल पर डिफरेंट है हर बंदा फेसबुक इस्तेमाल करता है उसका एक स्पेसिफिक यूजर आई डी होता है जिसको आइडेंटिफिकेशन यहाँ तक नहीं समझ आया कोई यहाँ तक क्या चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है तो दीजा इधर क्या चीज डिफिकल्ट लगी है आप वर्ड टूल्स के बाद
आपकी साइड पे शो हो रहा होगा पिक्सल में भी देखो शो हो रहा है सबके पास कोशिश करो जरा ओपन करो कोशिश करो देखो शो हो रहा है इवेंट मैनेजर शो हो रहा है पिक्सल शो हो रहा है इवेंट मैनेजर इवेंट मैनेजर क्लिक करो क्या देख रहा है पिक्सल उस पे क्लिक अभी